इस लॉकडाउन की अवधि में मजदूरों को भी जिस जगह पर वो काम कर रहे थे वहीं रुकने को बाध्य होना पड़ा। तीसरे लॉकडाउन की अंतिम चरण में एक गंदी राजनीति का दौर शुरू हुआ। उस गंदी राजनीति के दौर में मजदूरों को घर वापसी के लिए प्रेरित किया गया। कोई साधन नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, लेकिन एक हौसला मजदूरों का बना रहा। उन्हीं सब के ऊपर एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति लेकर आपके सामने आया हूं। कविता का शीर्षक है घर वापसी। कुछ वो दृष्टांत भी शामिल है जिसमें कुछ मजदूरों के दुर्घटनाओं में, रेल दुर्घटना में और सड़क दुर्घटना में उनको अपने प्राणों से भी जान गंवानी पड़ी। यहां एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति सुनिएगा। कविता का शीर्षक घर वापसी। सिर्फ मजदूरी नहीं हो तुम, मजबूत भी बहुत हो। सिर्फ मजदूरी नहीं हो तुम, मजबूत भी बहुत हो। 1 मई को जोशीले भाषण होते हैं तुम्हारी शान के। 1 मई को जोशीले भाषण होते हैं तुम्हारी शान के। कसकर लगा लो अब तुम गांठ अपनी गठरी में। कसकर लगा लो अब तुम गांठ अपनी गठरी में। डर है मुझे कहीं गिर न जाए दाने तुम्हारे धान के। डर है मुझे कहीं गिर न जाए दाने तुम्हारे धान के। पहुंचना ही होगा पैदल मीलों दूर, पहुंचना ही होगा पैदल मीलों दूर घर तक तुम्हें अपने। कहीं पकने नहीं देना तुम्हारे बाल दोनों कान के। कहीं पकने नहीं देना तुम्हारे बाल दोनों कान के। दौर है अभी मंदी का, दौर है अभी मंदी का। चबाने को रह गए हैं चने लोहे के। छोड़ भी दो तुम चबाना टुकड़े सुपारी और पान के। छोड़ भी दो तुम चबाना टुकड़े सुपारी और पान के। महसूस भी हो अगर थकान तुम्हें, महसूस भी हो अगर थकान तुम्हें, वापसी के रास्ते में सो मत जाना जहां से गुजरते हो पहिए रेल यान के। सो मत जाना जहां से गुजरते हो पहिए रेल यान के। ताकती रहती है दिन भर निगाहें, ताकती रहती है दिन भर निगाहें बूढ़े माँ बाप की। ताकती रहती है दिन भर निगाहें बूढ़े माँ बाप की। ईश्वरीय वरदान हो तुम उनके चलना यही मान के। ईश्वरीय वरदान हो तुम उनके चलना यही मान के। सीखना होगा सहन करना तुम्हें, सीखना होगा सहन करना तुम्हें। बहुत कुछ अभी भी ये सरकारें लाएगी, अभी कई और दौर अपमान के। ये सरकारें लाएगी अभी कई और दौर अपमान के। मत खोना धैर्य और जीवन की सकारात्मकता को, मत खोना धैर्य और जीवन की सकारात्मकता को। एक दिन ये खुद लाएंगे खोए हुए पल सम्मान के। एक दिन ये खुद लाएंगे खोए हुए पल सम्मान के। एक दिन ये खुद लाएंगे खोए हुए पल सम्मान के।